दर दर की ठोकरें खाने के बजाय एक ऐसे काम को हाथ में लेने का फैसला किया मुकेश देवी ने, जो कि महिलाओं के लिए ही मिसाल बन गया है। कैसे, रिपोर्ट। यहां सभी गाड़ियों के पंचर भी लगाए जाते हैं। जी हाँ, तो बोर्ड को अच्छे से पढ़ लिया आपने। अब जरा चलिए आपको इस दुकान के अंदर लिए चलते हैं। इस दुकान में आप सिर्फ टायर और ट्यूब का ढेर देखकर सोच रहे होंगे कि हम इस दुकान पर आपको क्यों लेकर आए हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस दुकान के पीछे की कहानी को सुनकर आप इस दुकान की अहमियत को जरूर जानेंगे। दरअसल ये दुकान अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि इस दुकान की बागडोर एक महिला के हाथों में है। जी हाँ, और यही महिला गाड़ियों के पंक्चर, टायर और ट्यूब को बदलती है। इस महिला की कहानी जरूर दर्द भरी है, लेकिन इनके जज्बे ने सबको हैरान कर दिया है। मैंने ये काम अपनी मर्जी से शुरू किया और 2006 में शुरू किया था। इसके पापा का अटैक हो गया था और एक बार लकवाई मार गया था। डॉक्टर ने काम बंद बता दिया, कई तरह को काम नहीं करना। तो एक दो लड़का एक दो बार रखा, वे अच्छी तरह कामयाब नहीं होया। कभी भाग गया, कभी आया ना आया, आज नहीं आऊँ। फिर मैंने सोचा कि भाई घर के रस्ती को चलानी है। फिर मैं आराम आराम से अपना काम मैंने चालू कर दिया। रोहतक के जी पार्क की रहने वाली मुकेश देवी की जिंदगी जो तमाम दर्द और संघर्षों से भरी है। पति के हर्ट में बीमारी के बाद इन्होंने दर दर की ठोकरें खाने की बजाय अपने पति के काम को ही आगे बढ़ाया और खुद ही गाड़ियों के पंक्चर लगाने, टायर और ट्यूब को बदलना शुरू कर दिया, जो किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता। आज इनके जज्बे को हरियाणा न्यूज सलाम करता है। इनके पति को डॉक्टरों ने बेड रेस्ट की सलाह दी, जिसके बाद से मुकेश देवी ने अपने पति के दुकान की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अब ये घर के साथ बाहर भी उतनी ही मेहनत और शिद्दत से काम करती हैं जितना घर में। हालांकि मुकेश पहले अपने पति के साथ शौक से दुकान पर बैठा करती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इनका शौक एक दिन इनकी जरूरत में तब्दील हो जाएगा और कभी कभार पंक्चर लगाने का काम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अब इनके काम की सराहना न सिर्फ इनके घर के लोग करते हैं, बल्कि बाहर वाले भी मुकेश देवी की तारीफ करते नहीं थकते। मेरी भाभी बहुत ये पंचर का काम बहुत दिन से कर रही है, खूब अच्छा कर रही है, खूब अच्छा लग रहा है, खूब इसका दिल खुशी है। मेरे भाई की तबीयत ढीली रह से बीमार हो गया था, डॉक्टर ने काम बंद कर दिया। फिर बोले एक तो मैं संभालूंगी काम ने, इसने आप संभाल दिया काम अपना, खूब अच्छी तरह करती है काम, अच्छा लग रहा स्कूल। मैं आज मेरा आज बाइक पंचर हो गया, मैं किसी काम से जा रहा था तो मैंने दुकान ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा, देखा कि आंटी जी एक, मैंने बोला आंटी नहीं लेडीज एक पंचर लगा रही थी, मैंने बोला पंचर करवाना है लेडीज, मैंने बोला आंटी आप पंचर लगाओगी, बोली हाँ मैं पंचर लगाऊंगी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने आंटी को बोला लगाओ, फिर देखा आंटी ने पंचर लगा दिया, बिल्कुल ओके बाइक कर दी। और मैंने ऐसा पहली बार देखा है, सुना भी नहीं था कि लेडीज ये काम करती है, और बहुत से सुने हैं भाई लेडीज ये करती है, गाड़ी भी चलाती है, बाइक भी चलाती है, लेकिन पंचर का पहली बार देखा है और पहली बार ही सुना है। वही मुकेश देवी का कहना है कि पहले शुरुआत में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती थी, शुरू शुरू में उन्हें शर्म आती थी, कोई रिश्तेदार आता था तो वो भाग कर अंदर छुप जाती थी, लेकिन मजबूरी का ये काम इनके लिए अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुका है। शुरू शुरू में तो शर्म भी आती थी, अगर भाई जैसे कोई आता है दुकान पर जानकार तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई पंचर लगा हुआ है, और अब तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती। घर और बाहर भी अच्छे और सहजता से काम करके मुकेश देवी उन तमाम महिलाओं के लिए मिसाल हैं जो आज भी घर से बाहर निकलने से डरती हैं। लेकिन मुकेश देवी ने दिखा दिया है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो मंजिल अपने आप आसान हो जाती है और इस समाज भी फिर उनको सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।